राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 22। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 22। अहाब की मृत्यु। और 3 वर्ष तक अरामी और इसराइली बिना युद्ध रहे। 3रे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इसराइल के राजा के पास गया। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलात का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलात के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी प्रजा भी है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलात के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं और रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, इमला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला का पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज्य वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सन्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनान के पुत्र सिदकियाह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनमें से तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलात के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय शुभवचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभवचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलात के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें व रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हां, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कह? मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तीतर बीतर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया है कि वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलात के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर
उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनान के पुत्र सिदकिया ने मिकायाह के निकट जा उसके गाल पर थपेड़ा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे बोध होगा। तब इसराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उससे कह, राजा यो कहता है कि इसको बंदीगृह में डाल दो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इसराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलात के रामोत पर चढ़ाई की और इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इसराइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया और अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इसराइल के राजा से युद्ध करो। तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इसराइल का राजा वही है और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इसराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए बागडोर फेरकर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे आरामियों के सन्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लोहू बहकर रथ के पौदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई कि हर एक अपने अपने नगर और अपने अपने देश लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोमरोन को पहुंचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लोहू चाट लिया और वेशाएं यही स्नान करती थी। अहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दांत का जो भवन उसने बनाया और जो जो नगर उसने बसाए थे, यह सब क्या इसराइली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान अहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोशापात का राज्य। इसराइल के राजा अहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था जो शिल्ही की बेटी थी और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इसराइल के राजा से मेल किया और यहोशापात के काम और जो वीरता उसने दिखाई और उसने जो जो लड़ाइयां की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे उनको उसने देश में से नाश किया। उस समय
एदोम में कोई राजा न था, एक नायब राजकाज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपिर जाने को बनवा लिए, परंतु एशोन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अहज्याह का राज्य। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्याह शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इसराइल से पाप करवाया था, जैसे उसका पिता बाल की उपासना करके और उसे दंडवत करने से इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्या भी करता रहा।